Welcome to Arunachal Mirror. Today we are reporting to you from RGU campus where the students are protesting regarding the withdrawal of FIR lodged against President and GS. So let us know what the students have to state about this. कुछ कुछ चीज़ का रिएक्शन होता है वो रिएक्शन में हुआ ही है। जो रिएक्शन में होने वाला चीज़ को जो अगर वो एक्ट गलत होता है तो उस एक्ट को कंडेम करना दरकार होता है। तो जिस तरह से वैंडलाइज किया है बोला, हम देखा नहीं है, मीडिया में है, निकला है, हम पीजी के लिए देखा नहीं है। अगर ऐसे हुआ है तो वो चीज़ गलत है, लेकिन गलत हुआ किस लिए? आदमी देखता है कि उन्होंने तोड़फोड़ किया, लेकिन तोड़फोड़ किया क्यों है उसको आदमी देखना चाहिए। लो भी इसको ही सिर्फ देखता है कि तोड़फोड़ किया है, लेकिन प्रोवोकेशन कहाँ से हुआ उसको भी देखना चाहिए। तो इसलिए इसका बारे में हम बाद में अच्छा से मीडिया ब्रीफिंग करेगा विद डिटेल्स लेने के बाद। जो एक्ट किया है, कभी कभी अपना दिमाग को फुलफिल करने के लिए कुछ हद तक जाता है, लेकिन आज जो किया है, कल जो कुछ हुआ है, वो कुछ हद तक कंडमनेबल है और उसको हम भी मानता है। और दूसरा तरफ से कभी कभी प्रेशर टैक्टिक्स भी होना चाहिए। थैंक यू। एक तो आपको क्लियर कर दूँ, ये मेमोरेंडम अभी जो जितना हम पॉइंट्स दो तीन पॉइंट बोला है, ये राइटिंग में या ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन इन लोग तरफ से नहीं आया। आज ही हम सुना है, आज ही हम देखा है पेपर्स को ना, देख के हम अपना खुद से इन लोग को कंसर्न ऑफिसर को भी हम अवेयर कर लिया है, बात कर लिया है। तो उस हिसाब से हम ये एक्चुअली बोलने का भी नहीं है, मेमोरेंडम देने का भी नहीं है, ये मेरा ही ड्यूटी है, हमारा ही काम है। उसको हम जब अभी रियलाइज हुआ, मालूम हुआ है, तो तुरंत उसको जितना हो सके हम लोग करने का कोशिश करेगा। एग्जैक्टली आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका काम बनता है कि जितना भी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब स्टूडेंट आपके साथ आता है तो आप कहता है कि वीसी को मिलो, फिर वीसी बोलता है कि आपको मिलो। यहाँ पे ऐसा हो कि ऐसा मतलब एक स्टूडेंट को चारा नहीं मिल रहा, तभी जाके ये मोमेंट उठाना पड़ता है। सर रेडिंग ऑन टू हर, सर आप इसको इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेगा? वाज इट ऑर्डर फ्रॉम वीसी की स्टूडेंट को इग्नोर किया जाए? व्हाट इज योर डिफेंस? नो, दिस इज जस्ट कंट्रडिक्शन। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम लोग स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट का बात को हम कैसे इग्नोर करेगा? जो भी बात है उसको सुनेगा, उसको किस हिसाब से हम लोग रिजोल्व करना है, उसको डील करना है या इसको अटेंशन देना है, उसको हम लोग निकालना पड़ेगा ना। और ये यूनिवर्सिटी है, दैट आई कैन इफ आई नो, उसको हम तुरंत एक मिनट में रिजोल्व करना चाहिए, दैट आई कैन नॉट एक्चुअली से। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एज सच आई डोंट फाइंड। हम लोग एक कॉर्डियल ये में काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन में बीसी अथॉरिटी है, और दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर एलिज टुगेदर, जो भी डिसीजन होता है हम लोग डिलीब्रेशंस डिस्कशन का साथ में आता है। ऐसा कुछ दिखते तो या ऐसा तो हम कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि हर जो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह मेरा हाथ से जाता है, दैट डिसीजंस एंड एक्शंस आर टेकन आफ्टर ड्यू प्रोसेस, डिलीब्रेशन डिस्कशंस कमिटी रिपोर्ट्स वो सब आने का बात ही करते हैं। तो ऐसा कुछ हम अनइथिकल ऐसा महसूस नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। वी हैड दैट 17 अक्टूबर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए ब्लैक डे बाय द टीचिंग फैकल्टी, इज दैट ट्रू? दैट आई कैन नॉट कमेंट।